भाई फाइनली अब कल्कि का यूनिवर्स बनने वाला है। फाइनली बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ आयुष्मान खुराना लॉक हो चुके हैं। बट ये क्या मल्ला और अर्जुन का ब्रेकअप हो गया? हेलो जी नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार एके आपका अज्जू भाई एंड वेलकम टू 46th एपिसोड ऑफ अज्जू के अपडेट्स, जहां पर हम करते फिल्मों के अपडेट्स की बात एक साथ। यार भाई साहब सच बता रहा हूँ, ये अपडेट सुनने के बाद ना मेरे को भी गूज़बम्प्स आ गए। बताया जा रहा है कि कल्कि मूवी इंडिया की सबसे बड़ी मूवी होने के साथ साथ ये 9 पार्ट्स में बनने वाले, इसका एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है। मतलब नागोशी ने तो पहले क्लियर कर रखा था कि ये मूवी आने वाली सिर्फ एक पार्ट में, कल्कि 2898 AD के नाम से, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक मूवी होने वाली है। लेकिन अभी पता चल रहा है कि इन लोगों ने कुछ अलग लेवल की प्लानिंग करके रखी है जो हमें बाद में रिवील करने वाले थे। क्योंकि देखो ना, अभी रिसेंटली इनको प्रीलूड रिलीज करने की जरूरत ही क्या पड़ी, वो इसलिए क्योंकि अगली जो स्टोरी है तुमको समझ में आ सके। और ये 9 पार्ट्स में बनने वाली है, तो सबसे पहले इनका माइंडसेट समझो। इसमें कमल हसन सर कली पुरुष का जो रोल प्ले करने वाले, वो अब तक का सबसे बड़ा विलन होने वाला है। जहां अगर आपने कल्कि के फर्स्ट वाले ग्लिम्प में ध्यान से देखा होगा तो कली पुरुष कैसे अधर्म फैला रहा है वो साफ साफ नजर आ रहा है। जहां उसी अधर्म का विनाश करने के लिए विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होता है। बताया जा रहा है कली पुरुष इतना ताकतवर हो सकता है कि उसे मारने के लिए भगवान विष्णु को सप्त चिरंजीवी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब इसमें हनुमान जी के भी दर्शन हो सकते हैं। वैसे बताया जा रहा है कल्कि की एडवांस बुकिंग जून 8 तक शुरू हो सकती है। वैसे कल किया गया इंडियन 2 मूवी का ग्रैंड ऑडियो लॉन्च, और उसमें जिस तरीके से कमल हसन सर की एंट्री हुई भाई साहब, जिसमें बहुत सारे गेस्ट को भी बुलाया गया था, लेकिन एक खबर सामने आ रही है, इसमें काजल अग्रवाल का रोल होने वाला है, लेकिन इंडियन 2 में नहीं बल्कि इंडियन 3 में। और ये कल खुद डायरेक्टर शंकर ने क्लियर किया। अब इंडियन 2 का पूरा एल्बम रिलीज हो चुका है, जिसमें कुल 6 गाने हैं। कुछ कल निखिल सिद्धार्थ के बर्थडे पर उनकी नई पिक्चर स्वयं भू का एक नया पोस्टर, भौकाली पोस्टर रिलीज कर दिया गया, जिसमें एक हाथ में वो तलवार वाला लेकर एकदम गजब का लुक लग रहा है उनका। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उनके बर्थडे के टाइम पर एक और उनकी नई पिक्चर का अनाउंसमेंट हो गया है, जिसका टाइटल रखा है ऑल इंडिया हाउस। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का पार्ट 1 देखने के बाद लोगों के ऐसे अंदर से उछाला रहा है कि हमको पार्ट 2 देखना है, तो थोड़ा सा सबर करो क्योंकि इसमें प्रोडक्शन डिले हो चुका है। देखो मेरी तरह जिसने पार्ट 1 देखा है तो उसको पता होगा, यहाँ पर सबमरीन में एक चाबी ढूंढने के लिए जाता है, उस सबमरीन में मैलफंक्शनिंग होने के कारण कुछ प्रोडक्शन डिले हो रहा है अभी। सूर्या 44 मूवी में अब ऑफिशियली पूजा हेगड़े का वेलकम हो चुका है, जिसका टाइटल तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन स्लोगन जरूर रखा है लव लाफ्टर वॉर, जो कि एक पीरियडिक एक्शन एडवेंचर मूवी होने वाली है, जिसकी शूटिंग जून तक शुरू हो सकती है। और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं नाना दरदान कार्तिक सुब्बारा, जिन्होंने इससे पहले जिगर ठंडा सीरीज पेटा एंड महान को डायरेक्ट किया है। आफ्टर मैदान अजय देवगन एंड टीमिंग अप फॉर अ न्यू बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी, जो बेस्ड होने वाली फॉर्मल इंडियन क्रिकेटर पलवनकर बल्लू, जो कि एक दलित क्रिकेटर थे, उनके ऊपर बेस्ड है, जिसका रोल अजय देवगन नहीं प्ले करेंगे, एज अ प्रोड्यूसर इसमें जुड़ने वाले, बट इसको डायरेक्ट तिग्मांशु धुलिया करने वाले। बॉर्डर 2 में एज अ लीड एक्टर सनी पाजी एंड आयुष्मान खुराना को तो लॉक कर लिया गया है, लेकिन अभी वो लोग एक और पंजाबी एक्टर की तलाश में जो एक लीड कैरेक्टर प्ले कर सकता है। अब एक्जैक्टली कौन प्ले करेगा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, पेपर वर्क होने के बाद मैं आपको बता देगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ये तो बहुत पहले से पता चल गया था यश की टॉक्सिक मूवी में ह्यूमा कुरैशी का ऐसे आगमन हो चुका है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो एंटागोनिस्ट प्ले करने वाली है, इसलिए तो बताया जा रहा था कि यश और इसमें बहुत सारे एक्शन भी होने वाले हैं। सोनू सूद सर की एक मूवी आने वाली है फतेह, जिसको खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसमें पता चल रहा है कि ऑन बोर्ड आ चुके हैं अभी नसीर सर, नसीरुद्दीन शाह। और सोनू सूद ने एक पोस्टर करके बताया कि यार एक लीजेंडरी इंसान को डायरेक्ट करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो सबको पता होगा आनंद एल राय के फेवरेट एक्टर है धनुष, तो धनुष के साथ एक और पिक्चर आने वाली है उनकी, जिसका नाम रखा है तेरे इश्क में, जो कि एक लव ड्रामा होने वाली है। धनुष के अलावा इसमें कौन सी लीड एक्ट्रेस होने वाली है अभी तक कास्ट फाइनल हुई नहीं है, बट बताया जा रहा है कि इसकी शूटिंग अक्टूबर या फिर नवंबर में शुरू हो सकती है वाराणसी में। मतलब एक और रांझना टाइप मटेरियल बना रही है, जिसमें धनुष का लुक भी एकदम धासु लग रहा है। कल अनुराग कश्यप एंड गुलशन देवाया की एक नई सीरीज बैड कॉप का टीजर रिलीज हुआ, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है। भाई साहब इस टीजर को देखने के बाद इतना ही बोलना चाहूंगा, कड़क लग रहा है, क्योंकि इसमें अनुराग कश्यप खुद विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, और जब भी वो विलन बनते हैं तो हमें सोनाक्षी की आखिरा वाली वाइब आ जाती है। बट अच्छी बात यह कि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं टेबल नंबर 21 और अभी जस्ट क्रैक को डायरेक्ट किए हुए डायरेक्टर आदित्य दत्त। वैसे कल एक और मूवी का ट्रेलर आया है, जिसका नाम रखा है लव की अरेंज मैरिज, जिसकी कास्ट है इत्तु सी अवनकर और इतना बड़ा सनी सिंह। और ट्रेलर देखने के बाद सेम ड्रीम गर्ल वाली वाइब आ रही है, क्योंकि इसके राइटर भी वही है राज चंडेलिया। वैसे आजकल की मूवीज के ट्रेलर देखने के बाद कुछ बोल नहीं सकते, वेटिंग फॉर मूवी। लेट बेहतरीन एंड हम सबके फेवरेट सिंगर केके का लास्ट सॉन्ग अभी रिलीज हो चुका है। दिव्या खोसला की सभी मूवी का ये सॉन्ग है, वादा हमसे करो इसका नाम है, और सुनने में बड़ी कूल वाइब दे रहा है। कीर्ति सुरेश की एक नई मूवी आने वाली है जो 15 अगस्त को रिलीज हो सकती है, जिसका नाम रखा है रघु ताथा, जिसमें वो पार्किंग वाले रजनीकांत की फर्स्ट कॉपी अंकल नजर आ रहे हैं। अरे अपने पार्किंग मूवी नहीं देखी, क्या कर रहे हो यार। फाइनली बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है, मलाइका अरोरा एंड अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो चुका है। ये रूमर है, अच्छी खबर ये कि ब्रेकअप नहीं हुआ है। मतलब कल से ये रूमर बहुत वायरल हो रहा था, इनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन बाद में उन लोगों ने कंफर्म करके बताया कि नहीं हुआ है। एंड उसी के साथ रणबीर कपूर की कल्ट क्लासिक मूवी रॉकस्टार भी अब सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने वाली है, और बताया जा रहा है कि इसके टिकट्स अभी 1 लाख तक सोल्ड हो चुके हैं। मतलब देखा लोगों को फिर से कुन फाया कुन करने का कितना शौक है। वैसे अगर तुम लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करने का भी शौक रखो, और प्लीज सब्सक्राइब करने का भी शौक रखो। डू सब्सक्राइब एंड मिलता हूं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। मैं अजय कुमार, बाय।